कभी कभी मुझे लगता है मैंने गौरव से शादी करके सही काम किया है। दोस्तों अभी अभी खबर आई कि दिल्ली में वीकडे का भी कर्फ्यू लग गया है, और श्रेया की उसके ऊपर राय देखिए क्या जबरदस्त राय है। मैं बोल रही हूँ पिछले 1.5 साल से दिल्ली पुलिस सबको डंडे ही मार रही है यार। पहले वो सीए एनआरसी वाले प्रोटेस्ट के लिए डंडे पे डंडे, बस पहले जेएनयू, फिर सीए एनआरसी वाला, फिर शाहीनबाग वाला, फिर कोरोना वाला, फिर बीच में थोड़ा सा उनको आराम मिला, बोले डंडे पे तेल लगा रहे थे, वापिस डंडा तैयार नहीं मिल रहा, फिर तैयार हो गया, फिर लोग डंडे खाएंगे। कब खत्म होगा यार ये? ये देखो दोस्तों श्रेया क्या देख रही है। गणेशन आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है कि नहीं करा? याद नहीं है। एक बार दिखाओ तो सब्सक्राइब करा है कि नहीं किया है? किया है। अरे किया है, मुझे दिखाओ, नीचे करके दिखाओ। मेरे हिसाब से लाइक मेरा वन ऑफ द थ्री में आता है। विविधरम पंडित जी ने बोला था शादी जब हो रही थी ना, क्या आठवां फेरा यही था ना कि गौरव जो जो वीडियो डालेगा तुम सब्सक्राइबर लाइक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का एक है ये। आपने देखा मेरे कितने वीडियो लाइक करे, एक बार वो देखो। मैं सब करती हूँ। अरे रहा मेरा वीडियो लाइक नहीं करा, देख रहे हो? सारे लाइक करती हूँ मैं, अभी देखूंगी तब लाइक करूंगी ना मैं, ऐसे नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही लाइक करती हूँ। अच्छा और दिखाओ आपने, जिसमें आप खुद हो मेरे को लग रहा है आपने सिर्फ वही लाइक करे, जिसमें आप नहीं हो वो देख रहे हो वो लाइक करेगी नहीं? ये देखो दोस्तों जिसमें खुद होती है सिर्फ वही लाइक कर दी है, अदरवाइज नहीं लाइक करती। ये तो है, तूने फ्रेंड्स का वो देखा है जोई? देयर इज नो अनसेल्फिश डीड इन दिस वर्ल्ड, कि कुछ भी तू करता है ना इट हैज अ सेल्फिश मोटिव बिहाइंड इट, मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड प्लेटोनिक लव, ठीक है? एवरीथिंग इज गिवन। आप पागल हो गए घर में अकेले रहके? हां लॉकडाउन में वीडियो लाइक करने की बात करो, पता नहीं कब प्लेटोनिक लव में घुस रहे हो। चलो जी, अरे लॉकडाउन में थोड़ा सा फिलोसफिकल होना पड़ता है। यार ये देखो यार मेरी नहीं आंख फड़क रही है यार, 3 दिन से हो रहा लगातार। ये देखो मैंने चेक करा तो आ रहा है एज पर द हिंदी मैथोलॉजी इट्स समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, पर एज पर द साइंस फटीग स्ट्रेस, और मैं सो रहा हूँ अच्छा खासा, पता नहीं। ये देखो भाई किसको दिखाऊँ, इवन मेजर नहीं है अपने आप, कई भी होती है महीने 15-10 दिन फिर सही हो जाती है, बस इस टाइम मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना। अपनी क्रेविंग और अपने खाने की भड़ास के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है गौरव कपूर की, नाप नाप के खाया जा रहा है। अरे वो हमारे माँ बाप ने बचपन से गलत ही सिखा दिया है, बेटा खाते टाइम गिनते नहीं है, ये गिन बिना गिने ये हालात होते हैं हमारे। वैसे एक तरीके से मैं तो बड़ी खुश हूँ वैसे लॉकडाउन से, ये घर में रहता है तो ना इसका खाना पीना ठीक हो जाता है, पीना नहीं खाना ठीक हो जाता है। देखता हूँ मैं रात को जितनी कैलोरी बचाऊंगा उतना का पी जाऊंगा। अरे मेरी बची है 850 कैलोरी आज दिन की खाने की, और 12:30 बज रहा है, कैसे चलाऊंगा सारे 800 कैलोरी। गौरव ने बोला है कंटेंट के लिए मेरे मुंह के ऊपर कैमरा रखते रहना। मैंने ऐसा कुछ ऐसा फोर्स नहीं कराया आपको, ठीक है? जब आपको लगे कि इसमें कुछ निकल सकता है तो डालना। गोभी वो भी ले लेना, दही ले ले यार, ऐसा मत दिखा कि हमारे घर में कुछ खाने को रहता ही नहीं है, खाली प्लेट। ये वैसे ये फ्रूट्स भी है बट खाने के साथ फ्रूट नहीं खाना चाहिए, बोलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल को मिक्स नहीं करना, अगर फ्रूट्स खा रहा है तो फ्रूट्स खा, वेजिटेबल्स खा रहा है तो वेजिटेबल खा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, कोई अगर न्यूट्रिशनिस्ट है कमेंट सेक्शन में तो प्लीज बता दे गौरव कपूर को। एप्पल चटनी तो निकाल, भाई साहब आई विश मैं इसमें इंसर्ट कर पाऊँ वो वीडियोस, आज से 5 दिन पहले गौरव कपूर बिना कैलरी सोचे हुए खा रहे थे, सुबह कैलरी काउंट हो रही थी, और ये देखो ये मतलब मेरे से नहीं रहा जा रहा है, मैं क्या करूँ, एक दिन में थोड़ा कर लूंगा, 1500 का 1600-1700 तो खा लूंगा एक दिन, बटर नहीं लगाऊंगा। कच्चा खाएगा सब्जी के साथ? खा लूँ थोड़ा सब्जी के साथ, इतना अच्छा बन खाएगा कैसे, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे 10 दिन से खाना नहीं मिला है। ये देखो गौरव, तभी मैं बोलूँ ये पेट कम क्यों नहीं हो रहा, एक्सरसाइज तो ये इतनी कर रहा है, एक एक्सरसाइज का भी व्लॉग बनाऊंगी तेरे, लगा ले बटर, अब जब खा ही रहा है पाप कर ही रहा है तो अच्छे से पाप करना। बटर इज वेस्ट, बटर तो नहीं खाऊंगा। तुझे लग रहा है ये ब्रेड बड़ी हेल्दी है? बटर से तो घी लगा लूंगा, एक तरफ ये है और एक तरफ वो है, उसे भी तो ना, तो ये कोई कैलोरी थोड़ी बताएगा तुझे, ये है 75 ग्राम। तुम खाली ऐप चलाओ उसका कुछ भी वो मत करो, ठीक है? 75 ग्राम ब्रेड डाल दो। घर में इतनी अच्छी और हेल्दी खाने की चीजें हैं, सत्तू पूरा पड़ा हुआ है, सत्तू मैं लेकर आई थी, सत्तू पता कितनी कैलोरी होती है, 400 ग्राम सत्तू, इट इज गुड कैलोरी, 400 कैलोरी होती है, मैं नहीं खाऊं सत्तू, पता है कितना हेल्दी होता है। हाँ तो कैलोरी तो होगी ना, कैलोरी होगी तभी तो बर्न करेगा ना, एक्सरसाइज करके करेगा क्या बर्न फिर। ये ठीक है, ये भी काब्ज ही है वैसे, गरम कर लेना अच्छे। मैं क्या करूँ, मैं काब्ज है तो फ्रूट खा लेना। अरे वो पड़ा था वाटरमेलन, लाइट नहीं आ रही यार, लाइट ही नहीं आ रही, वाटरमेलन पड़ा था काट दूं? मेरे को ये हर चीज का वीडियो मत ले तो। ये नंबर कितना दोगला इंसान है यार तू, तूने खुद बोला था श्रेया आप कोई व्लॉग का कंटेंट नहीं होगा तो जो भी हम घर पे करेंगे उसका वीडियो लेना, दोगले तो उसका लोना जिसमें मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, आप तो उसका ही। तू भाग के यहाँ से कभी वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से अंदर आ रहा है, फिर बहुत ज्यादा हो रहा है तो बालकनी में चला जा रहा है, ये अच्छा काम हो रहा है, क्या ढूंढ रहा है? लाइटर का, वो तुम कुछ ढूंढो, भगवान गौरव को लाइटर नहीं दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा होगा यहाँ पे कहाँ पे लाइटर है। डोसा बनाएगा, चाय बनाएगा, हाँ
मैं क्या करूँ श्रेया, मेरे से खाना कंट्रोल नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे खाने को देखते ना कुछ होता है पता है। आई थिंक यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट तो मिल जाएगा पर वो कहाँ से मिलेगा। और ये भी तो बता दे कि चार न्यूट्रिशनिस्ट को ऑलरेडी कंसल्ट कर चुका है, सारे न्यूट्रिशनिस्ट आ चुके हैं। अगर ये व्लॉग कोई न्यूट्रिशनिस्ट देख रहा हो तो प्लीज, आप तो ऐसा लगता है अगर ये व्लॉग को देख रहे हो SOS की हेल्प मांग रहे हो, अगर किसी को पता चल रहा है तो मुझे बचाने आ जाए। इसमें अगर भुजिया डल जाते हैं तो भुजिया है नहीं हमारे घर में। अच्छा ये आलू की सब्जी भुजिया डाल के बहुत मजा आएगा। ये देखो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मखाना है, मिलेट्स है। ये दिवाली में ब्रांड वर्क करा था इसे, इसे ढूंढ करके देख इसने निकाली है गंदी चीज। हमेशा ऐसे ही रखोगे क्या आप श्रेया? हाँ। इतना सब भी नहीं बोला था मैंने आपको लेने को। उसमें मैं चाय बनाती हूँ ठीक है, सब्जी गर्म करने की कोई जरूरत नहीं थी उसमें। गाइस अब ऐसे ही गंदे कंटेंट आएंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं बनाने को। है तो ऐसे ही चलता है भाई, डेली घर पे लोग यही कर रहे होते हैं। सबकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है क्या, सबकी जिंदगी ऐसी लुंजी होती है। तो कुछ और बोलने वाला था ना, सैटरडे की रसोई। तो बेसिकली मैं आजकल घर पे रह रहा हूँ और घर पे कुछ ना कुछ हम ऑनलाइन वगैरह देखते रहते हैं, तो मुझे लगता है एक रिकमेंडेशन दिन का देना तो बनता ही आपको। आज का मेरा रिकमेंडेशन है मिस्टर परम का गाना आया है मस्कीटो। मिस्टर परम जो है इनका यूट्यूब चैनल है, मेरा मतलब बहुत तगड़ा बंदा है, ये स्पूफ्स बनाता है गानों के, बहुत सारे स्पूफ बनाता है। इसके पहले सिद्धू मूसे वाले के स्पूफ से दो तीन, और करण औजला का एक और बनाया था ना अदिया टटिया करके, भाई क्या स्पूफ बनाया है। मस्कीटो वाला तो बहुत ही अच्छा आ जा मस्कीटो फड़िए। टटिया वाला ज्यादा अच्छा है, टटिया वाला तो हमने एक्चुअली इतना ज्यादा सुना था, गुप्ता की तबियत खराब हो गई, क्या सुना दिया मुझे। पर मैं तो फुल भाई गाड़ी का गाड़ी चला करके फुल स्पीकर पे लगा करके टटिया करके गाना था, आंधी आनी टटिया, बहुत सही था। तो वो सुनो मिस्टर परम को, मैं वीडियो का लिंक इतना फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। पर अभी इसने मस्कीटो निकाला है नया गाना, नया। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, स्पेशली जो बंदे अपने वेस्ट दिल्ली में विकासपुरी की साइड रहते हैं उनको पता होगा व्हाट इज ट्राइंग टू से, डू वॉच इट। देखो मैं हल्की सी आपको ग्लिम्स देता हूँ टटिया वाले गाने की, एक सेकंड रुको, श्रेया को सुनाएंगे जाके सीधा। जो टॉयलेट साफ कौन करता है इस घर के, तो उससे क्या लेना देना तो मैं ही करता हूँ श्रेया समझ गए, बिकॉज मेरे ज्यादा जाते भी तुम ही हो ठीक है। ठीक है ये डालना हिम्मत है तो ये डालना व्लॉग में, तो मैं डाल दूंगा दिन में चार बार सबसे ज्यादा। इस व्लॉग में हमारे सब्सक्रिप्शन कम होने वाले, इतनी अच्छी बुक पढ़ रही हूँ मैं। हाँ। और पीछे में गाना लगाया है, लगी होनी टटियां। सारी किताब आज ही खत्म कर दोगे क्या, साहित्यकार बन के खत्म करोगे क्या आज? क्या है अ मैन कॉल्ड ओव, यार आप ये क्या डिप्रेसिंग चीजें क्यों पढ़ रहे हो यार ये? मुझे अपने दोनों की लाइफ दिख रही है इसमें। यार ये पता नहीं क्या क्या पढ़ रही है, अच्छा तो मेरा परम के गाने ही है, टटियां अदियां और कौन सा है मस्कीटो, और उसके पुराने गाने भी है दो तीन और, खाने के ऊपर है बहुत अच्छे वो सब। देखो ये किताब भी तो मैंने तो भाई साहब जब से स्कूल खत्म कराया तब से मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, आई एम डन विद इट। वो खरीदी है एयरपोर्ट पे एक दो बार, ये सोच कि फ्लाइट में मैं पूरी फ्लाइट में यू नो आई विल रीड बुक, वो कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मैंने कवर देख के खरीदी थी। एक बुक का कवर बहुत सुंदर लग रहा था, ये अच्छी लग रही है उठाने में, हाथ में अच्छी लगेगी तो मैं ये ले लेता हूँ। सुबह से कैलरी काउंट हो रही थी यार, आप ये सब हर चीज मत देखते रिकॉर्ड करो तो ठीक है, मेरे को रात को आपने एक तो वो दिखा दिया, रात के बाद रहा डेढ़ दिन बाद कैलरी काउंट किया। मैं रोटी में 4 कैलरी लिया है, मैंने इसमें 2 कैलरी लिया है, कल मैं काउंट कर दूंगा ना। मुझे भूख लगी तो मैंने रोटी खा ली जो कि मैं तुझे भी ऑफर कर रही थी, लेकिन नहीं आपको खानी है मैगी, खाइए और ये बढ़ाइए। कोरियन ड्रामा रिकमेंडेशन, मेरा रिकमेंडेशन है वॉच स्टार्टअप, इट्स अ वेरी नाइस सीरीज। इफ यू लाइक द व्लॉग डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ये बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं है, लोगों को करना होगा तो अपने ही कर लेंगे। ओके डन। टेल मी 5 reasons व्हाई पीपल शुड सब्सक्राइब टू योर चैनल। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना है तो करना भगवान भरोसे, क्योंकि चैनल को 5 साल के बाद कोई ठिकाना नहीं। अभी के मजे ले लो जैसे गौरव मैगी के मजे ले रहा है।